मुंबई बीकेसी में महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने दी सैकड़ों सौगात, 1.5 लाख करोड़ का मदद, 1,15,000 हेक्टरों को मिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभ। मुंबई की संपूर्ण 400 किलोमीटर सड़कों को 500 किलोमीटर अगले वर्ष आरसीसी करके गड्ढा मुक्त योजना की घोषणा। 123 दवाखाना मार्च 2023 तक देने का वादा। 2013 पुलिस परीक्षा में पास पुलिस को प्रमोशन का आदेश। किसानों को नुकसान भरपाई इत्यादि सुविधाओं की घोषणा सीएम शिंदे ने किया। 7 महीना में सैकड़ों का बड़े काम, 2 वर्ष में कितना बड़ा काम होगा। सीएम ने विपक्ष को कहा कि वह टीका करे, हमारी सरकार काम करती रहेगी। डाउस सम्मेलन में मोदी के चर्च से सीएम शिंदे को मिला बड़े उद्योगपतियों के साथ 1,55,000 करोड़ का MOU हुआ। सीएम ने मोदी जी की सराहना, आभार व्यक्त किया। IG 20 में भी 4 राज्यों में महाराष्ट्र राज्य को चुना गया। मुंबई पुलिस और कई प्रशासनिक विभागों के भारी बंदोबस्त व्यवस्था से 3 लाख से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाया। मुंबई की रफ्तार सबसे तेज होगी, सीएम एकनाथ शिंदे का वादा। 2A 7A का मेट्रो रेल का उद्घाटन पीएम मोदी ने रिमोट बटन दबाकर किया। 1.3 करोड़ आबादी वाले मुंबई शहर को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पीएम मोदी जी के हाथों मेट्रो सहित कई पुल, सड़क, अस्पताल, दवाखाना, प्रशासनिक सुरक्षा, साइकिल स्टैंड, मुंबई के सपनों के को सबसे तेजी गतिशील बनाने के लिए किया है। 20 दवाखाना का लोकार्पण भी पीएम मोदी जी ने किया। STP की 17,000 करोड़ लीटर की परियोजना, सीवेज प्लांट, 2,000 से ज्यादा प्लांट की बड़ी परियोजना, बायोगैस की योजना, जल जीवन, पर्यावरण, समुद्र के पर्यावरण सुंदरता की योजना दी गई। मोदी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के जोड़ी वाली सरकार के कार्यों की सराहना की। CST रेलवे स्टेशन का विकास भी उद्घाटन पीएम मोदी जी के हाथों रिमोट बटन दबाकर किया गया। 16 अप्रैल 1918 को CST रेल स्टेशन से दौड़ी रेल। मेट्रो रेल, लोकल रेल, लंबी यात्रा वाली रेल को एक रूट बनेगा। सड़क को रेल स्टेशन से जोड़ने की योजना। नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक, PRSS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मुंबई के युवा नेता हाजी अरफात जी है, जो केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकार के साथ मंत्रालय में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज मोदी जी के कई स्वप्नी जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन होने वाला है और बीकेसी में बड़े हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पे मोदी जी के समर्थन में और आज उनके जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन है उसको संपूर्ण कराने के लिए वहाँ पे आए हैं। हाजी जी, जो आज मोदी जी ने ये स्वप्न मुंबई को एक मेट्रो सिटी सबसे पहले घोषित करने जा रहे हैं और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया जो है महाराष्ट्र सरकार को दिला भी रहे हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली अभिमान की बात है। मेरा शहर अगर चकाचक होगा, मेरे शहर के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएगी, अच्छी योजना आएगी, मेट्रो आएगी, रेलवे अच्छी होगी, अच्छे अस्पताल हो गए और मोनो रेल वगैरह, इस सारी चीज़ें जब अगर आती है तो ऑब्वियसली हर इंसान को खुशी होती है कि मेरा शहर खूबसूरत होते जा रहा है। ऑलरेडी मेरा शहर पहले से खूबसूरत है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए एक खूबसूरत इंसान, देश का महान व्यक्ति, गाइड, फिलोसोफर, मेडिकल मैन ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी जी आज हमारे मुंबई शहर के अंदर बीकेसी में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसकी उनकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पे जमा हुए, हजारों मुस्लिम महिला, बुरखे वाली महिला जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती, आज उनके लिए बुरखा पहन के यहाँ पे आई। कई उलमा, कई मदरसे के लोग, कई पीर, कई साधु संत यहाँ मौजूद है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कई जो अच्छे काम किए उनका अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद मोदी बोलने के लिए यहाँ पे हम लोग सब लोग हजारों की संख्या के अंदर पहुँचा। ये आपको जन समुदाय नज़र आ रहा होगा और ये विरोधक को दिखाना चाहिए कि जो हिंदू मुसलमान जो त्रेट निर्माण करते, हिंदू मुसलमान के अंदर भेद निर्माण करते, आज देखिए हजारों मुसलमान महिला मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचेगी। अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में आज विश्व बन रहा है, भारत भी एक बहुत उज्ज्वल सूर्य की तरह चमक रहा है, देश बन रहा है, राज्य बन रहा है, महाराष्ट्र चमक रहा है, मुंबई चमकने जा रही है। इसमें आप कई पार्टियों में रह चुके हैं, जो आज भूमिका आपकी है मुसलमानों को लेके मोदी जी के साथ, यह जो आपकी भूमिका है, कितना बड़ी तादाद में मोदी जी को समर्थन दे रहा है? देखिए, 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं आई, कई हजारों वाहतूक संगठन के कार्यकर्ता, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला है, कई सेलिब्रिटी यहाँ पे मौजूद हुए, सारे लोग हम से मोदी जी को समर्थन देने के लिए आए। कई घंटों से यहाँ पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल, लेजिम,
पठानी ढोल पे लोग थिरक रहे थे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो काम किए उस काम को सलाम देने के लिए, सलामी देने के लिए खासतौर पर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो सुरक्षा है, आपका क्षेत्र है कुरला विधानसभा, ये सब आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम है, आपको कितना गर्व महसूस होता है हाजी जी कि आपके क्षेत्र में मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं? कोई डर महसूस नहीं होता, इलाका शहर तो छोड़ो देश में कहीं डर महसूस नहीं होता। जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने जो लगाम कसी है, पुलिस होने दो, डिपार्टमेंट होने दो, अधिकारी होने दो, हर यंत्रणा पे उनकी एक बारीक नज़र है, एक टीम है, लगाम कसी है, तो हिंदुस्तान का कोई नागरिक अपने आप को असुविधा असुरक्षित नहीं समझता। सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। विपक्ष को क्या जवाब देंगे? विपक्ष को यही जवाब है, अगर वो विपक्ष के लोग देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कई लोगों को शर्म आ गई होगी आज। तो हमारे साथ हाजी अरफात जी हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं और हजारों की संख्या में भीड़ लेके आज बीकेसी में मोदी जी के समर्थन में और देवेंद्र फडणवीस जी की ताकत बन के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पीआरएसएस न्यूज ऐसे ही ये महासंगम को मुंबई में आज दिखाएगा। पीआरएसएस न्यूज को हमारे दर्शक इसी तरह देखते रहे।